हाय टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शुक्तो रेसिपी। शुक्तो प्योर वेज रेसिपी है, तो मेरे सारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स खुश हो जाइए। एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक्स, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, आप लोग का कमेंट्स बहुत ही इंस्पायर और एनकरेज करता है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 150 और फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट। शुक्तो एक ऑथेंटिक बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपी है। शुक्तो में जो वेजीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है करेला, बैगन, कच्चा केला और ड्रमस्टिक। इसके अलावा इसमें आप और भी वेजेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बीन्स, ब्रॉड बीन्स और गाजर को ऐड किया है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लेती हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं। ऑयल में पहले मैं उड़द दाल से बना हुआ वड़ी को फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और उसके बाद इसे निकाल ले बाहर। कढ़ाई में और थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। पहले हम करेला को फ्राई कर लेंगे, बिटर गॉर्ड को पहले फ्राई कर ले। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करें और इसे बाहर निकाल के रख ले। अगेन थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, क्योंकि अभी हमें सारे वेजेस को फ्राई करना है। और इसमें ऐड करें 1 चम्मच पाँचफोरन और 1 चम्मच राधुनी। उसके बाद इसमें सारे वेजेस को ऐड कर दें और सबको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल और इसे फ्राई करें। इसमें सॉल्ट ऐड करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगेन इसे अच्छे से मिक्स करें और फ्राई करें। अब वेजीज हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ऐड किए हैं हमने। और इसे कवर करके कुक करें फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स लिड को ओपन करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। यू कैन सी कि ये 50% कुक हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करके इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें। अब हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट लिया है और पोस्तो पेस्ट। मैं एक छोटे से बाउल में 2 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूँगी और 2 चम्मच पोस्तो पेस्ट ऐड करूँगी। आफ्टर 5 मिनट्स लिड को ओपन करें और आप देख सकते हैं कि वेजेज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 कप के करीब हॉट वाटर ऐड करें, ताकि हमारा वेजेज अच्छे से टेंडर हो जाए, और इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें। आफ्टर 5 मिनट्स लिड को ओपन करें और आप देख सकते हैं कि वेजेज बिल्कुल टेंडर हो चुका है और वाटर भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब इसमें ऐड करें मस्टर्ड और पोस्तो पेस्ट को ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। इसमें 1 कप के करीब मिल्क ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें और इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें। मैंने वड़ी और करेला फ्राई को भी इसमें ऐड कर दिया था और हमारा शुक्तो ऑलमोस्ट रेडी है। फ्यू इंग्रेडिएंट्स अभी भी बाकी है इसमें ऐड करने के लिए। इसमें 1 चम्मच घी ऐड करें, विच इज़ वेरी एसेंशियल, इसे स्किप ना करें। और इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करें टू एनहांस द टेस्ट एंड फ्लेवर। और हमारा शुक्तो बिल्कुल तैयार है। इसे स्टीम राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। शुक्तो रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजीज है और मसाला बिल्कुल कम है। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी.